अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एएम गिलानी प्रोडक्शन के साथ एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही अहम होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे तमाम के तमाम टूल्स को जो कि हम यूज़ करते हैं, और उनका कुछ टिप्स भी दूंगा आपको, प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये कोई रटे वाले सिस्टम नहीं है। जैसे कि आप लोग पहले मेरे लेक्चर्स देख चुके हैं, हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको कुछ ना कुछ। ये देखें जी, हमारे पास ये पहला कौन सा आता है, पिक टूल। पिक टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको जितने भी टूल्स हैं सबको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाने वाले हैं कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। ये हमने उसके बाद लिया शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद हमने ये किया कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करके हमने यहाँ से इसको क्या किया, इसको हम ट्रैक करके अंदर की तरफ लेके आ सकते हैं। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में पहला जो लेक्चर दिया था उसमें ये यूज़ किया था हमने, किस चीज़ के लिए, एक लोगो बना रहे थे HP का, उसमें आपको यूज़ करके दिखाया था। ये देखें आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास बड़ी प्यारी शेप बन जाएगी। मतलब जो भी आपने काम करना है अपनी मर्ज़ी से, उसमें चेंजिंग करनी है, लेयर्स वगैरह बनानी है या कोई कर्व वगैरह बनानी है, वो आप किससे कर सकते हैं, उस टूल से। उसके बाद हम लेते हैं जी इलिप्स टूल। कंट्रोल का बटन दबाते हुए इलिप्स टूल लेना है। ये बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपने कंट्रोल का बटन दबाना भूल जाना और ये आपके पास अंडा बन जाएगा। अंडा नहीं बनाना भाई, हमने क्या बनाना है, इलिप्स टूल मतलब एक दायरा लेना है। ठीक है, दायरा लेने के बाद हमने प्लस का बटन दबाया और इसकी एक ले ली डुप्लीकेट। कंट्रोल डी करके भी डुप्लीकेट ले सकते हैं, प्लस का बटन दबा के भी इसका डुप्लीकेट हम कर सकते हैं। अभी जनाब हमने यहाँ से लेना है जनाबे वाला नाइफ टूल। कौन सा है, नाइफ टूल। इसको हमने अभी यूज़ करके देखना है इससे क्या होता है। यहाँ से इसको किया क्लिक, यहाँ पर ला के दिया छोड़। ये जैसे ही हमने छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। इधर वाला पार्ट अलहदा हो जाएगा, उधर वाला पार्ट हमारे पास अलहदा हो जाएगा। ये देखिए, इसको हमने ट्रैक करके इधर वाले पार्ट को कर दिया डिलीट। इधर वाला जो पार्ट हमारे पास रह गया इसको हम कलर कर देते हैं जी, ये वाला कलर कर दिया। उसके बाद जो पीछे वाला हमारा हिस्सा था उसको अलग कलर दे दिया। ये डबल इसलिए आए क्योंकि हमने इसका प्लस करके दो लिए थे, मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद हम शेप टूल का यूज़ करते हैं। शेप टूल आपने लेना है और उसके बाद इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे टू कर्व कर देना है, कन्वर्ट लाइन टू कर्व। उसके बाद आपने इसको अंदर की तरफ खींचे, बाहर की तरफ करें, जैसे भी करना, ये आपके पास एक लोगो की शेप बन जाएगी, बड़ी ही प्यारी सी शेप। ये देखें जी, ये इसको हम कलर इसका थोड़ा सा चेंज ना करते हैं। ये देखें, ये अभी सही है, पहले मतलब बिल्कुल साथ मिला हुआ था, अभी थोड़ा सा ना ये नज़र आ रहा है। ये देखें आपके लिए ये लोगो, अगर आप किसी के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास एक बहुत ही प्यारी शेप आ गई है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न मोर फॉर। अगर आप इससे और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आएँ AM गिलानी प्रोडक्शन को, और उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पर आपने लर्न मोर कर दिया और ऊपर अपने चैनल का नाम लिख दें अगर लिखना चाहते हैं, अगर किसी और का चैनल है जो भी, मतलब यहाँ पर आपने लिखना है वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास एक बहुत ही प्यारा लोगो तैयार हो जाएगा, किसका, चैनल का। बहुत ही आसान सा तरीका है। और इसके बाद हम इसमें लेते हैं जनाबे वाली एक अदद रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ से आपने कंट्रोल का बटन दबा के करेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ये देखें, ये एक और रेक्टेंगल ले ली, इसके ऊपर दूसरी आ गई, और इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले एडजस्ट कर लें इसका, और इसका डुप्लीकेट प्लस करके डुप्लीकेट लिया और यहाँ पे ला के इसको छोड़ दिया। अभी यहाँ पे एक और हम लेते हैं जनाबे वाला, ये हमारे पास आ गया। अभी ये देखेंगे हमारे पास क्या बन जाएगी। इनको दबाया, ये ऊपर हमारे पास जो प्रॉपर्टी बार है उसमें आता है वेल्ड। वेल्ड का बटन आप दबाएँगे तो ये हमारे पास एक प्रॉपर शेप बन जाएगी। यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जैसे, ये देखिए, यहाँ से आपने पकड़ के इसको नीचे की तरफ करें, जैसे शर्ट का मतलब होता है हिसाब किताब, वही सेम आ जाएगा। ये देखिए, इसको आपने पकड़ा, इसकी मदद से शेप टूल की मदद से इसको आगे भी शिफ्ट कर लिया। ये वाला हमने पॉइंट ख़त्म करना है, इसको डबल क्लिक करें, ये भी डबल क्लिक करके ये ख़त्म कर दिया पॉइंट। उसके बाद इसको टू कर्व करें, टू कर्व करने के बाद इसको आप लेके आए नीचे यहाँ पे, और थोड़ा सा नीचे, ये चीज़ मेरे अजीज़। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अभी इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें आगे पीछे, जितना भी रखना है टू कर्व करें, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दें, ये बिल्कुल गुलाई में हो जाएगा, बड़ा प्यारा लगेगा। यह चीज़ टू कर्व। ठीक है,
उसके बाद इसको हमने ये कर दिया, ये हमारे पास आ गया टू कर्व की शक्ल में। और इससे हम क्या करेंगे, कलर इसका कर देंगे चेंज। ये हमारे पास एक टी शर्ट तैयार हो गई है। इसको टू कर्व करके अंदर की तरफ, ये भी उसी तरह टू कर्व करके थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ धकेलते हैं। और नीचे वाले को हम क्या करेंगे, ये फिर कलर चेंज। और इसमें कुछ चेंजिंग रिक्वायर्ड है, इसके लिए हम बनाते हैं एक मोनोग्राम, मतलब वो एक स्टाइल से बनाते हैं। तो इसमें आपने लेना ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, उम्मीद है आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे। मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से इसका एंगल हम चेंज, यही ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं जी इसका कलर चेंज करके इसको अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे। ये हमारे पास एक शेप सी बन गई है, ये हमारे पास क्या तैयार हो जाएगी, कंट्रोल एल करेंगे तो ये देखें, ये शेप हम इसमें एक क्रिएट कर देंगे। हमारे पास एक शर्ट तैयार होगी, क्या होगी, ये शर्ट तैयार। ये देखें कितना मज़े का काम है। आप इसके साथ बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। आपका ये जो है ना कोरल ड्रा, ये बहुत ही मज़े का सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसको साथ खेलेंगे ना तो उम्मीद है इंजॉय करेंगे आप इसके साथ। ये देखें, ये एक शर्ट का हमारे पास तैयार हो गया। अगर आपने किसी क्लाइंट को शर्ट्स वगैरह करके देनी है वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से इसकी गाइडलाइन लेके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने तो रफ्स ही बनाई है, लेकिन अगर आप चाहें तो इनकी सेटिंग्स वगैरह अगर मतलब बराबर करना हो तो यहाँ से आप गाइडलाइन वगैरह खींच के इसको बराबर भी कर सकते हैं। ठीक है, इनकी समझ आ गई होगी उम्मीद है। इसमें हमने कौन सा टूल यूज़ किया, शेप टूल को यूज़ किया, और उसके अलावा हमने रेक्टेंगल को यूज़ किया। ये सारे टूल हमने इसमें यूज़ करते हुए ये सारा काम किया है। बहुत ही आसान काम था, ऐसे ही उम्मीद है इंजॉय कर तो रहे होंगे आप लोग। अगर नहीं कर रहे तो मैं आगे आपको और भी जो टूल्स बताने जा रहा हूँ ना, आप उसमें और भी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे इस चैनल AM गिलानी प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको आने वाले और भी लेक्चर्स इसके और भी मज़ेदार लगें। क्योंकि हमने इसमें आपको बहुत कुछ पहले भी सिखा चुके हैं इसी चैनल पर, और भी बड़ा कुछ सिखाने वाले हैं। उसके बाद इसमें आता है हमारे पास इरेज़र टूल। इरेज़र टूल की मदद से हम इसमें से कुछ भी रिमूव करना चाहें तो ये हमने इरेज़ कर दिया, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसमें ये नेक्स्ट टूल आता है जनाब स्मज टूल। स्मज टूल की मदद से हम क्या करेंगे जनाब वाला, यहाँ से स्मज टूल ले लिया चौथे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद हम इसके ब्रश का थोड़ा सा साइज़ बड़ा करें, ये हमने कर दिया जनाबे वाला बड़ा साइज़। यहाँ से पकड़ के हम इसको खींच के ले जाएंगे जहाँ तक मर्जी लेके जाना है। ये देखें देख रहे हैं, इसके हम तहस नहस फेर के रख देंगे। उसके बाद हमने अगर इसका कर दिया है साइज़, मतलब ये बड़ा कर देते हैं 2, 3, 4, 5, तो इससे क्या होता है, ये इसका जो है ना मतलब करीब से करीब तर होता जाएगा। अभी मैं आपको इस और कुछ इंटरेस्टिंग बना के दिखाता हूँ। ये देखें, जो हमने वो खेतों वगैरह में लगाए होते हैं ना वो भूत से डराने के लिए परिंदों को, अगर उस तरह की शेप बनानी है तो ये देखें, यहाँ से आपने एक दायरा लिया, ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ, ठीक है। यहाँ से आपने इसका अगर ये बढ़ा दिया तो ये हमारे पास क्या होगा, सॉरी ये क्यों नहीं हो रहा भाई, ये छोटा छोटा और है, ठीक है। आपने जितना इसको बढ़ाते जाना ये कम होता जाएगा, जितना कम रखेंगे ये उतना बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल ही उल्टा खाता है, ये देखें ये आपने माइनस में कर दिया तो ये देखें अभी माइनस में कितना लंबा जाता है, ये देखो कैसा लग रहा है चकोटा जैन। ये इसके, ये देखें हमने कान बनाने, ये इसके कान बना देते हैं, ये इसके कान तैयार हो गए। ओ यार ये तो गलत हो गया ये देखें जो है ना वो आला दीन वाला जिन, उस तरह का जिन वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप इसका कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको कम करेंगे, मतलब अगर पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। ये देख, समझ आ रही है ना,
या समझाना पड़ेगा किसी और तरीके से, ये देखें, ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ। ये देखें जनाब, ये इसमें हमारे पास और कौन से, ये निब साइज़ का बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो यहाँ पे। ये देखें यार, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इतने प्रैक्टिकली कि मैं करके दिखा रहा हूँ ना, अभी भी कोई कहे ना कि सर हमें कोरल ड्रा की समझ नहीं आ रही, तो उसको मैं किसी और तरीके से समझाऊंगा फिर, ठीक है। और ये इसकी हमने बना दी जनाबे वाला आँखें, इसका डुप्लीकेट लें, ये छोटा करके इसमें कलर ब्लैक कर दें, ये इसकी आँख बन गई है, तीसरी आँख। कौन सी फिल्म थी, किसकी फिल्म थी यार, ये पता नहीं जिसकी भी थी, लेकिन हम इसकी दो ही बनाएंगे, तीसरी नहीं बनाएंगे। ये इसको आपने बराबर कर दिया, अलाइनमेंट इसकी सही कर दी, ये हमारे पास एक बहुत बन के आ गया। ये हमारे पास आता है जी रफ एंड टूल, इससे हमने क्या करना है, कौन सा टूल है, ये वाला पांचवा रफ एंड ब्रश। आपने यहाँ से इसका साइज पहले बढ़ा देना है, तजर्बे के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी हम कौन सा टूल डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे टूल में पांचवा टूल, इसको ओके कर दिया, ये आपके पास टूल बार 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 आएगा। ये देख के सुनाए कैसा लगा, है ना मज़ा। ये देखें, आपको इतना आसान काम मेरे ख्याल में और कोई नहीं सिखाएगा। जब आपने इसको फ्री ट्रांसफॉर्म किया तो ये सिर्फ इसको रोटेट करने के काम आएगा, जो पांचवा टूल है इसमें, ठीक है। उसके अलावा इसका कोई ख़ास काम नहीं है। उसके बाद ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का है, तो आपने ये बटन दबाया, ये जो जो इसके खाते में आया वो सारे का सारा डिलीट हो गया। ये यहाँ तक रख के आपने इसको क्या किया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ठीक है। इसमें आपने अगर कुछ डिलीट करना है ना दरमियान में कुछ कुछ, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, विजुअल डिलीट सेगमेंट वाला, ठीक है। ये हमारे पास, ये हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है ये जूम का बटन, इससे हम जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे पास आता है ये फ्री हैंड, इसके साथ आप फ्री कुछ भी तैयार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद इसका जनाब ये टूल आता है, इसकी मदद से आपने क्या करना है, ये देखें हमारे पास क्या आ रही है, मतलब ये पेन टूल की तरह यूज़ होता है, बेजियर टूल इसको बोलते होते हैं। ये हमारे पास पेन टूल आ गया, इसका तो पता ही है, ये हमने ब्रश यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था, ये यहाँ पे स्प्रेयर की जगह पे आपने नॉर्मल कर लेना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से आप इसको चेंज करके छोटा बड़ा जैसा रखना चाहें, ये आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर रखा, और ये देखिए ये कैसा बन गया, ये देखें ये इसके सीन बन गया। कहते हैं बेवकूफ़ा तो सिंह नहीं होते, लै मैं बना के खा लेते, ठीक ठीक है ना। और यहाँ पे देखें ये हमने इसके सिंह एडजस्ट कर दिए, उनका कलर यार ब्लू कलर कौन रखते हैं, ठहरो ठहरो, ये ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। इसको भी हम उसी तरह कर देते हैं, ये हमारे पास और भी अजीब गरीब बलामंती जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये तीन टूल देख लिए, इसमें ये दोबारा हम पेन टूल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें से आपने कुछ और ये लेना है, तो ये देखें ये हमारे पास किस तरह आ गया, ठीक है। यहाँ से आप कुछ भी लिखना चाहते हैं ये आप इससे लिख सकते हैं, इससे कोई शेप बनाना है, कोई भी शेप बनाना चाहते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, इससे वो लिख के आ जाता है, मज़े मज़े की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ये देखें जनाबे वाला ये टूल आ गया हमारे पास, इसका हम उसी तरह ब्रश का साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसमें ये चेंज कर सकते हैं हमने कौन सा ब्रश लेना है। ये देखें ये तीर का निशान लेना, आप बड़ा इजीली ले सकते हैं, ये आपको बड़ी जगह पे काम आएंगे, ठीक है। ये देखें ये सारे के सारे आपके पास पड़े हुए हैं, आपने इसमें से जो मर्ज़ी लेना चाहें वो सिलेक्ट करके ले सकते हैं। ये देखें सॉरी ये पेंट, और उसके बाद ये आता है ये पॉली लाइन, इसके देखो इसके साथ क्या हो गया, ये हमारे पास कुछ ड्रा करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो अगर हम इसको आपस में मिला देते हैं तो ये एक मुसल्ला साइड, मतलब इस तरह की शेप हम अगर हमने लेनी है फ्री हैंड तो हम इससे ले सकते हैं। थ्री पॉइंट कर्व ये देखें, ये ठीक है, ये देखें ये आपने जब एक जगह से दूसरी जगह क्लिक किया तीसरी जगह लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक कर्व बनती जाएगी, इससे क्या हो जाएगा ये आपकी कर्व बन जाएगी। उसके बाद इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं जी, ये देखें ये आपको काम आते हैं जब आप काम कर रहे हैं ना, मतलब फिज़िक्स वगैरह की कोई
वो तैयार करते होते हैं कॉपीज़ वगैरह प्रैक्टिकल के लिए, उसके लिए ये यूज़ हो सकती हैं, कनेक्टर वगैरह जोड़ने के लिए। फिज़िक्स पढ़ी है ना, तो मेरी तरह कोई नहीं पढ़े, पढ़ने में इतने कोई नहीं अच्छे लोग आप लोग, हाँ नहीं पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं आप लोग मुझे। ये देखें, इससे हम उसका जो है साइज़ वगैरह वो देख सकते हैं कि ये इसमें कितना कितना डिस्टेंस है। ये उसी तरह फिज़िक्स वगैरह की कॉपी में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हम यहाँ से कर देते हैं जी डिलीट और दोबारा आते हैं एक न्यू पेज पे। यहाँ पे हम आपको कुछ और करके दिखाते हैं। ये सारे टूल हमने आज डिस्कस कर लिए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये टूल एक और आ गया है जनाबे वाला, ये हमने इसी तरह दायरा सा किया, उसको छोड़ा तो ये देखें कंप्लीट दायरा बनते हैं। ये इस तरह हमने रफ सी मुसलस बनाई और इसको छोड़ा तो ये कंप्लीट एक अच्छे से मुसलस बन गया हमारे पास, ठीक है। ट्राइंगल ये देखें, ये हमने इसको किया तो ये, यार ये बड़े मज़े मज़े के टूल हैं, आप इनको सीखो तो सही, एक बार करो तो सही, आजमाओ तो सही, ठीक है। ये आपके पास मैं जो वीडियो आज बना रहा हूँ ये किसके रिलेटेड है, टूल्स एंड टिप्स से रिलेटेड, कि आप इससे टूल से क्या क्या बना सकते हो, आपको टिप्स भी साथ साथ मिल रही हैं, टूल्स भी मिल रहे हैं। रेक्टेंगल हमने पहले यूज़ कर लिया, ये हमारे पास आता है फ्री हैंड, मतलब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ये भी रेक्टेंगल के तौर पर ही यूज़ होता है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है जनाबे वाला एलिप्स टूल, ठीक है। ये हमारे पास, ये जो है ना, इसमें हमारे पास ग्राफ पेपर टूल आता है, इससे हम ग्राफ पेपर यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं किसी भी काम करते हुए, कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से हम उसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं, मतलब हमें कितने चाहिए, सॉरी इसमें हमें कितने चाहिए, हम यहाँ से जाके इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप कोई मतलब पेपर वगैरह बना रहे हैं या कोई रिजल्ट शीट वगैरह तैयार करनी है इस तरह के, अगर आपको बनाने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ड्रा कर सकते हैं कितने कितने आपको डिब्बे चाहिए, क्या हिसाब किताब चाहिए। ये हमारे पास क्या आता है, ग्राफ पेपर। अभी मैं इसमें से आपको एक और मज़े का काम करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं कोई तस्वीर उठाता हूँ, ये हमने तस्वीर उठाई, यहाँ से यहाँ तक इसको लिया बना, इसको हम छोटा कर लेते हैं और ये हमने उसमें कर दिया एडजस्ट। इसको जनाबे वाला किया हमने इफ़ेक्ट में जाके पावर क्लिप, पावर क्लिप पहले मैंने आपको पढ़ाया बड़ी तसल्ली के साथ, पहले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। पावर क्लिप करेंगे ये इसमें शेप आ जाएगी, उसके बाद इसके जो हम हैं आउटलाइन वो कर देते हैं वाइट, और यहाँ से ये हमारे पास क्या बन गई, एक पजल गेम बन गई। क्या बन गई है, इनको अनग्रुप ऑल कर दें यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास एक पजल गेम बन गई है, यहाँ से हम उठाते हैं यहाँ पे रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते हैं। अभी मैं अगर आपको कहूँ कि इसको मुझे बना के दिखाओ वापस, उम्मीद है आप लोग काफ़ी टाइम खा जाओगे, ठीक है। कोई एक उठाएगा देखेगा वहाँ पे लगता है कि नहीं लगता। ये हमारे पास जिस तरह पजल गेम होती है, आप बच्चों को थोड़ी देर के लिए बना के दे सकते हैं कि बेटा बैठ के ये काम करो, चलो शाबाश, ठीक है। मैं तो यहाँ पे कंट्रोल जी करूँगा, इजली इसको लगा दूँगा क्योंकि मुझे तो पता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप उठा सकते हैं यहाँ से, ये देखें बड़ी मज़े की आइटम है ना। अच्छा, इसकी भी समझ आ गई आपको, मैंने आपको ग्राफ पेपर की मदद से एक पज़ल गेम बना के सिखा दिया। आप इसका प्रिंट लें, बच्चों को दें, उनको कहें कि ये बैठ के बनाओ, ये वो जो भी मतलब आपने टाइम पास के लिए करना है काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कहीं आपके ऑफिशियल यूज़ में आती है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसकी समझ आ गई। अभी लेते हैं जी एक और पेज, उस पर काम क्या करते हैं जनाब, ये एलिप्स टूल, सॉरी पॉलीगोनल टूल है। इसका तो आपने बड़ा अच्छे से यूज़ किया, यहाँ पे आपने इसको अगर थ्री लेंगे इसकी तो ये डबल क्लिक करके पॉलीगोन स्टार ले लेंगे, मसलस लेना, जो भी लेना, ये भी मैं पहले आपको बड़ी तसल्ली के साथ कहा चुका हूँ। उसके बाद ये हमारे पास आता है एक और टूल, ये जलेबी सी जो बन के आती है, ठीक है। इसका आपने यूज़ कहाँ करना है, ये अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इसका यूज़ मुझे बता दें कि हमने इसको यूज़ क्या करना है, फिर देखें हम कैसे अन्नी पा देंगे। तो पानी उन्होंने अन्नी होती है, लेकिन इसका मैं आपको अभी यूज़ दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है। इसको ड्रैग करें यहाँ पर रखें, उसके बाद इसकी कॉपी लें, कॉपी लेके यहाँ पर रखें और इसको करें आप डुप्लीकेट, मतलब मिरर कर दें। ये आपने एक बना दी एक शेप, इसका फिर आपने डुप्लीकेट लिया और यहाँ पे इसको कर दिया उल्टा, ये आपके पास एक शेप बन जाएगी बड़ी मज़े की। आप इसको जगह जगह पे जाके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने फोर नुक्कर वाला एक स्टार ले लिया, मतलब ये कोनों वाला, इसका कलर हमने ये रख दिया और उसके बाद हमने इसका कर दिया सारे को ये कलर, ठीक है।
अभी हमारे पास ये एक क्या बन गई है, शेप। अब अगर हमने इससे और भी कुछ मज़े का काम लेना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इसमें और क्या मज़े का काम करना है। इसमें ये हमारे पास कुछ और टूल पड़े हैं, आप इनकी मदद से इसको ये देखें, ये फूल की पत्ती सी बना दें और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर करके ये देखें, इसको राइट क्लिक किया, टू कन्वर्ट टू कर्व किया, ये हमारे पास एक ये देखें ये कितना मज़े का काम हो रहा है ना। अच्छा, उसके बाद अब बारी आती है हमारे पास किसकी, रेंज में जाके हमने ट्रांसफॉर्मेशन ये रोटेट वाला, ये जो हमने इधर वाली साइड पर खोला हुआ, ठीक है, इसको किया जनाब, ये नुक्कर पे अप्लाई टू डुप्लीकेट 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 एंड डुप्लीकेट, ये हमारे पास देखिए क्या बन गया है। इसको हम शादी के कार्ड वगैरह बनाते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं, किसी का इनविटेशन कार्ड बनाना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आपने जो भी काम करने हैं उनके लिए ये मतलब काफ़ी जगह पर ये यूज़ हो सकता है। मेरा काम था आपको टिप्स देना, बाकी प्रैक्टिकली आपने खुद करना है। और मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि सर अभी कितनी समझ आ रही है कितनी नहीं आ रही, किसी बच्चे का ये सवाल नहीं आया अभी तक मेरे पास, ठीक है। तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके जो भी सवाल आते हैं उनका जवाब भी दूंगा और आपको एंटरटेन भी करूंगा जितना मेरे से पॉसिबल हुआ, ठीक है। ये देखें आप इसकी मदद से और क्या करने वाले हैं, ये देखें, सॉरी ये सेलेक्ट यूनिवर्स, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद हम करते हैं जी, ये नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है, पहले जो हम यूज़ कर सकते हैं उनको हम दोबारा नहीं करेंगे, ये देखें इसके साथ हम एरो कीज वगैरह बना सकते हैं, ये जो कर रहे काम, ठीक है, इसका तो पता ही होगा सबको, ये देखें। अच्छा, अपने ईमान की बताना है कि जो जो चीज़ें मैंने पहले लेक्चर्स में बताई हैं उनका किसी ने प्रैक्टिकल करके देखा भी है कि नहीं देखा, मुझे तो उम्मीद नहीं है। और अगर किसी ने देखा तो साफ तरह किसी ने किसी का कोई क्वेश्चन भी होता, मुझे ना किसी ने क्वेश्चन किया ना किसी ने पूछा ना बताया। तो अभी नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आते हैं, ब्लेंड टूल को हमने बड़ी तसल्ली के साथ किया था, अभी ये हमारे पास आता है इंटरेक्टिव टूल। ये इससे हमने क्या करना है जनाबे वाला, यहाँ से हम कोई टेक्स्ट लेते हैं, क्या लें क्या लें क्या लें, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं जी, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी कम वेलकम वेलकम वेलकम, मुझे अभी याद है ऐसे ये शुरू में करना चाहिए था हमें अपने लेक्चर के स्टार्ट में, चलें कोई नहीं, क्या कहते हैं देर आए दुरुस्त है। यहाँ से हमने इसका ये चेंज कर दिया, उसके बाद हमने इसका कलर चेंज कर दिया, आउटलाइन इसकी कर दी चेंज, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं जनाब, लेते हैं इसका कौन सा यूज़ करना है हमने, इंटरेक्टिव कंट्रोल टूल, ये टूल यूज़ करते हुए हम इसको यहाँ से ट्रैक करते हैं। ये देखें हमारे पास इसका एक इंटरेस्टिंग सा वो बनता जा रहा है, ये देखें आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो ये देखो मुझको ये करके दिखाओ, आए ये देखें, ठीक है, यहाँ पे आप इसके कलर की जो कम्बिनेशन है वो चेंज करते जाएँ, ये और भी मज़े की लुक देता जाएगा। ये देखें जी, ये हो गया हमारा वेलकम, ठीक है, यहाँ पे आप इसका कम कर सकते हैं ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी इसमें करना है आप कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो है कोरल ड्रा 12 इसके लेक्चर्स हो जाएंगे कंप्लीट इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर आएगा वो मैंने कोरल ड्रा 21 2021 का जो है ना अपडेटेड उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर बना के आपको बता दूंगा, इसी तरह एक कम्प्रीहेंसिव सा ना बना के दे दूंगा लेक्चर जिसमें आपको सारे टूल्स एंड टिप्स समझ में आ जाएंगे कि इससे क्या होना है उससे क्या होना है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा अगर आपके पास अपडेटेड है तो, उसमें मज़े मज़े के टूल हैं। तो आपने क्या करना है, टू लर्न मोर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल AM गिलानी प्रोडक्शंस, ठीक है, यहाँ पे हम इसी चले लर्न मोर को थोड़ा सा और प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या करें, इसको हमने यहाँ पे क्या करके दिखाऊँ आपको, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अरे दिमाग की बत्ती चली, ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या करना है इसका,
यहाँ पे हमने इसको ले लिया, उसके बाद हमने इसको क्या करना है चिनारे वाला, इसके लेते हैं डुप्लीकेट लेके इसका साइज़ कर देते हैं छोटा, और नीचे वाला जैसे साइज़ बड़ा था उस तरह बड़ा ही रखेंगे। इसका कलर भी चेंज कर दिया और उसका कलर भी चेंज कर दिया। ये चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे जनाबे वाली, अभी आपको कुछ और जादू करके दिखाने वाला हूँ। ये पहले वाला जो इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल है, पहले हमने वैसे इसको यूज़ तो किया, लेकिन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्योंकि हम लेक्चर जो बना रहे हैं तो इसी से बना रहे हैं। तो ये देखा हमारे साथ क्या हो गया है, लर्न मोर हो गया है जी, लर्न मोर हो गया, कई बार लर्न हो गया, ठीक है। तो आपने इसको ऊपर नीचे जहाँ पे मर्जी रखें, ये देखें इसके कितने मज़े के इफेक्ट आ रहे हैं 3D इफेक्ट बनाने के लिए, आप देख सकते हैं दोस्तों। ध्यान से देखें इस टूल को, ये आपके साथ क्या करके दिखाने वाला, ये तो उल्टा ही हो गया भाई, सीधा रहे, ठीक है। इसके साथ देखें ये क्या क्या होता जा रहा है, ध्यान से देखें, ध्यान से, ठीक है। ये देखें इसका आपने यहाँ से अगर इसका कम करना है तो कम कर दिया, यहाँ से ज़्यादा करना है तो इसका जो है मतलब डिजिट्स वो ज़्यादा कर दिए, इससे आपके पास और भी मज़े के इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। क्या ख्याल है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा कर लें, कोई बात नहीं, आगे देखें कैसे मज़ा आने वाला है। ये देखें ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। ये आपके पास जो दरमियान वाली जो ये लाइन आ रही है, इसके साथ आप इसको और भी मज़े के काम कर सकते हैं। इसको आप पकड़ के नीचे ले आए, ये देखें आपका कितना मज़े का इफेक्ट चेंज होता जा रहा है। ये मुझे ये वाला अच्छा लगा था, वैसे मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ, ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ, ये अभी यही, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास हो गया, मतलब इसमें हमने क्या सीखा, इंटरेक्टिव प्लान टूल, इसकी मदद से आपने काम करके देख लिया। अभी हम कुछ और ना कर लें, क्या ख्याल है, काफ़ी टिप्स हो गई हैं, अभी आपको टिप्स पे ही जोर दिए जा रहे हैं। ये देखें ये, ओए यार क्या कलर मारा है ना, वाइट कलर करेंगे तो ये देखेंगे कितना मज़े का बनता जा रहा है हमारे पास। अच्छा ये हमने कौन सा इंटरेक्टिव कॉन्टर टूल भी यूज़ कर लिया, उसके बाद इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल भी यूज़ कर लिया, अभी इसके बाद जो टूल आता है वो आपको कौन सा करके दिखाएं, ये इस वाह यार ये देखें, इस पर वो वाला भी टूल हमने यूज़ कर दिया इंटरेक्टिव कॉन्टर टूल को, ठीक है। यहाँ से हम अभी लेते हैं ये वाला टूल, ये कौन सा है जी, इंटरेक्टिव जो भी है यार पढ़ लिया करो खुद ही, ठीक है। ये यहाँ पे हम लिखते हैं जी कंप्लीट टेक्नोलॉजी। अगर आपने कंप्लीट टेक्नोलॉजी सीखनी है तो हमारा दूसरा चैनल भी है गिलानी टेक एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। मैं साथ साथ हमने चैनल्स की भी आपको प्रमोशन करता रहता हूँ, ताकि जो ये सीख रहा है वो भी सीख लिए, मतलब उसमें हमने ना दूसरे चैनल पे गिलानी टेक एकेडमी पे क्या किया हुआ है, कंप्यूटर की बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास इससे क्या होता जा रहा है, ये देखें, लेकिन ये थोड़ा सा जी भी लग रहा है मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है, चलें देख लेते हैं। ये हमने इसको किया जनाबे वाला, ये देखें, और ये देखें ये इसके साथ हमने क्या बना लिया। अगर टेक्स्ट पे सही समझ नहीं आ रही आप शेप पे करके देखें, शेप पे वो देखें, ये देखें ये कितनी मज़े की शेप बनती जा रही है ना, ये देखें मुझे ये करके दिखाओ, हाय मज़े के काम, कौन सिखाएगा मेरी जान, सीखो यही है टाइम। पॉलीकोनेटोन हाय, तो मेरे ख्याल में आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, फिर हम जो नेक्स्ट है ना किसी और लेक्चर में देखेंगे आपको, इसके आगे ये टूल है ना वो मैं नेक्स्ट सिखा दूंगा। आपने फिलहाल इस तक प्रैक्टिकल कर ले, मैं ठीक है ये जो मैंने करके दिखा दिया, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टूल के साथ, कुछ नया सीखने के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।